स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक करते हैं पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने शक्ति के पर्व पर की मां की आराधना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन किए। दो दिवसीय बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बुधवार को समीक्षा बैठक की, फिर मेडिकल कॉलेज व निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचे। शारदीय नवरात्रि में गुरुवार की सुबह उन्होंने मां के चरणों में शीश झुकाकर अपनी श्रद्धा निवेदित की। मुख्यमंत्री ने जगत जननी मां भगवती से सुखी स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही योगी सरकार, 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे किसान। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेशिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। वहीं हाथरस में सत्संग के मचे भगदड़ के दौरान 121 की जान चली गई थी। इस मामले में आज नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा लखनऊ में न्यायिक आयोग में पेश हुए। उन्होंने न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब दिए। बाबा जिस गाड़ी से पेश होने आए उस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा था और विधायक लिखा हुआ था। इस गाड़ी में विधानसभा का पास भी चस्पा है। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि उनके गांव सैफई में मनाई जा रही है। उनके पुत्र व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। इसके साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और INDI गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। इधर महाकुंभ मेला 2025 में वंचित समाज के 71 संत महामंडलेश्वर बनेंगे। ये कदम सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। महामंडलेश्वर की उपाधि पाने वाले संतों को मठ मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे वे समाज में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकें। ये उपाधि पाने वालों ने अखाड़े से जुड़कर संन्यास लिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।